नमस्कार साथियों जनता की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है जो आप ही के लिए होता है जो आपसे जुड़े विषयों पर आधारित होता है आज का विषय है ग्रामीण आजीविका गतिविधियां इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में है डॉक्टर महेश बावनकर जी जो कि राज्य परियोजना प्रबंधक आजीविका मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में पदस्थ हैं और साथ ही पशु सखी के रूप में आज हमारे साथ हैं रईशा खान जी जो कि गौरव आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जैसा कि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का तो कैसे इसमें ग्रामीण परिवारों की आजीविका से उन्हें जोड़ा जाता का है इसका क्या संबंध है राहुल जी जैसा मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है जी जैसा कि इसके नाम में ही है आजीविका जी और ये ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है जी तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रहते हैं उनकी आजीविका को कैसे संवर्धित किया जाए उनके आजीविका को कैसे उन्नयन किया जाए उनकी छोटी छोटी आजीविका गतिविधियाँ उसको कैसे बढ़ाया जाए जी उसको करने के लिए सबसे पहले मिशन में जो वहाँ पे आ, सेक डेटा 2011 जैसे कि भारत सरकार का 2011 में सर्वेक्षण हुआ था सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना तो उसमें जो सूचीबद्ध परिवार है उन्हें समूह में संगठित किया जाता है और संगठित करने के बाद उनकी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और वर्तमान में लगभग साढ़े चार लाख समूह गठित किए जा चुके हैं और लगभग इक्यावन लाख से ज़्यादा परिवार इसमें जुड़ चुके हैं और उसमें लगभग तीस लाख परिवारों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा चुका है जी तो सर जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें जिस प्रकार से जोड़ा जाता है तो क्या कैसे हम इसमें पता करते हैं कि किस परिवार को जोड़ना है या कैसे नहीं जोड़ना है क्या इसका कोई अलग से कोई क्रम है कोई सूची है किस प्रकार से यह तय किया जाता है कि कौन से परिवार इस आजीविका मिशन से जोड़े जा सकते हैं और कौन इससे नहीं जुड़ सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया कि आ, सभी वो परिवार जो आ, सेक डेटा 2011 में सूचीबद्ध हैं वो समूह में गर, संगठित किए जाते हैं और फिर आ, जो मिशन है इसमें समुदाय के त्रिस्तरीय संगठन के ऊपर काम करता है सबसे जी. पहले इसमें समूह गठित किए जाते हैं फिर ग्राम संगठन गठित किया जाता है और फिर संकुल स्त्री संगठन गठित किया जाता है जी तो इन जो ग्राम संगठन में जब सारे समूहों को देखा जाता है कि उनके पास किस तरह के संसाधन है वो किस तरह की आजीविका गतिविधियों से जुड़े हुए हैं जी तो वहाँ पे एक पंजी होती है जिसे हम आजीविका पंजी कहते हैं उसे वहाँ संधारित किया जाता है और उसमें प्रत्येक परिवार जी और वो महिला जो हमारी समूह से सदस्य हैं जी वो किस प्रकार की आजीविका गतिविधि से जुड़ी है चाहे वो कृषि आधारित हो चाहे वो पशुपालन आधारित हो जी या फिर वो गैर कृषि आधारित हो उसकी सारी जानकारी ली जाती है उनके कितने बेरोजगार परिवार हैं बेरोजगार बच्चे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उसको रोजगार पंजी में संधारित किया जाता है और फिर ये देखा जाता है हमारे मिशन में कि किस तरह की आजीविका गतिविधि का, का वहां पे विस्तार किया जाए और उसको करने के लिए हमारे पास आ, 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 पसुसा की अलग तरह के सामुदायिक स्रोत व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग विषयों में प्रशिक्षित होते हैं जी, उनके माध्यम से आजीविका गतिविधियों को समुदाय तक पहुंचाया जाता, जाता है बहुत ही बढ़िया जैसा सर ने बताया कि देखिए किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस आजीविका मिशन से जोड़ा जाता है किस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि कौन इससे जुड़ सकता है और कैसे इससे जोड़ा जा सकता है ये सारी ये चीजें बताई जाती हैं और जैसा हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश ग्रामीण प्रधान राज्य है और यह कार्यक्रम आज ग्रामीण आजीविका गतिविधियों से संबंधित है जो कि सजीव फोन कार्यक्रम है जिस पर आपके स्क्रीन पर जो फोन नंबर दिया जा रहा है जीरो, टू ड़वल थ्री, ड़वल जीरो, जीरो, आप इस पर फोन करके सीधा हमसे जुड़ सकते हैं यह नंबर टोल फ्री है आप इस पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी आपको विषय संबंधी क्वेरी है वो आप यहां पर बता सकते हैं दूसरा नंबर है जीरो सेवन डबल फाइव टू डबल सिक्स डबल जीरो फोर नाइन पर भी फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं रईसा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पशु सखी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो कब से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और क्या आपका अनुभव है एक डेढ़ साल से कार्य कर रही रहे जी और कैसा आपका अनुभव है इसमें सर अनुभव तो काफ़ी हो चुका है जी तो जानना चाहेंगे कि क्या आपका कार्य रहता है क्या आपका क्षेत्र है और कैसे आप लोगों से जुड़ते हैं कैसे आप कार्य करते हैं सर पाँच से तो दस गाँव ग्रामों में हमें काम करना रहता है जी और पचास पशुपालकों के फार्म रहते हैं जी उन लोगों तक जानकारी भी पहुंचाना रहता है हम लोगों का और समय से मतलब समय से से जो 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 भी भी मतलब टीकाकरण है 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 वो उनको आप बताते हैं हाँ, ये बताते सारी हैं। ही चीज़ें मान लीजिए कि, कि किसी कोई ऐसा पशुपालक है जिसका कोई पशु बीमार हो गया है तो आप उसे जाकर जागरूक करते हैं या क्या उन्हें सलाह देते हैं क्या बताते हैं आप सर उनको जैसे कभी ज्यादा बीमार अगर होता है तो उसको डॉक्टर की सलाह देते हैं और अगर कम बीमार अगर है तो उसका घरेलू उपचार जी बहुत ही बढ़िया देखिए जैसा हमने यहाँ जाना कि जो पशु सखी के रूप में रईसा जी काम कर रही हैं जो पांच गांव लगभग पांच गांव तक हाँ। अपनी पहुंच रखती हैं वहां जाते हैं और जो पशुपालक भाई हैं जो पशुपालक बहनें हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं उन्हें पशुपालन में कोई भी अगर समस्या आती है तो उसे उचित सलाह दी जाती है जागरूक किया जाता है अगर उनके पशु बीमार हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाया जाता है कि कब आप किस छोटी अगर बीमारी है तो घर में आप उनका इलाज कर सकते हैं और अगर पशु सीरियस है ज्यादा बीमार है तो उसे आप सीधे डॉक्टर से उस संपर्क करें और सीधा उसको जो अस्पताल है पशुओं का वहाँ पर आप लेकर जाएं सर हम जानना चाहेंगे कि जो आजीविका मिशन है इसमें किस प्रकार ग्रामीणों को जोड़ा जाता है कैसे उनको जागरूक किया जाता है कि वो इससे जुड़ें आ, राहुल जी जैसे हमने बताया कि आप आजीविका पंजी संधारित होती है जहाँ समूह सदस्यों की सारी जानकारी हो जी उस पंजी के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं जो गतिविधियाँ होती हैं और फिर हमारे मिशन के द्वारा उनको समय समय पर सी आई सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई जाती है समूह को जिससे वो अपनी छोटी छोटी आजीविका गतिविधियों को बढ़ाते हैं जी और जब एक स्तर पर उनकी व्यक्तिगत गतिविधि बढ़ जाती है तो उसके हम लोग क्लस्टर बनाने का कार्य करते हैं कि वो एक क्लस्टर आधारित जिसमें वो सामूहिक रूप से वो गतिविधियों को करना स्टार्ट करें और इस पूरे सिद्धांत हम लोग का जो सिद्धांत है इसमें आजीविका को उन्नयन में उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे हम जो हमारे समूह सदस्य जो गतिविधि करे उसमें उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े उसके जो उत्पादन करें उसमें लागत कैसे 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 कम कम हो 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 ताकि आय में वृद्धि सके जी, उसके अलावा जो उनके उत्पाद है, उसको मूल्य प्राप्त हो सही उसके लिए क्या बाजार होते हैं उसकी कैसे व्यवस्था करी जाए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं उनके जोखिम कैसे हो जैसे दीदी पशु से किए तो पशुपालकों को कैसे बीमा वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ये सारे प्रयास मिशन के द्वारा करे जाते हैं इसमें हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे कार्यक्रम है जैसे उत्पादक संघक बनाए जाने समुदाय का भी एक संगठन जो, तो हमारे, हमारे जी, जो जी, महिलाओं द्वारा चल रहे हैं तो अगर हम इस प्रकार देखें तो लगभग हमने मिशन में अभी तक जो आइडेंटिफाई कर रखी है लगभग एक सौ सत्तावन तरह की गतिविधियां हैं जो ये समूह कर रहे हैं जो तीस लाख परिवार बात की है और फिर हम लोगों ने राज्य में इन एक गतिविधियों में से कुछ ऐसी प्रमुख गतिविधियां जिसमें ज्यादा लोगों की डिमांड है उन गतिविधियों को आइडेंटिफाई किया ऐसी पंद्रह तरह की गतिविधियां हैं जिसमें साबुन हो गया वॉशिंग पाउडर निर्माण हो गया आपका स्लीपर्स हो गए सैनिटरी पैड हो गई या फिर और भी डेरी के उत्पाद हो गए तो सारे उत्पादों को हम और बृहद स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमारी समुदाय की शक्ति काफी सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो उन्हीं के माध्यम से चलाया जा रहा है उनकी आजीविका आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है अभी हम लोगों ने पशु पालन आधारित चार डेरी एफ पी ओ की है जिसमें लगभग साठ हजार परिवार जुड़े हैं और जो आज की तारीख में लगभग एक से सवा लाख लीटर का दूध प्रतिदिन व्यवसाय करते हैं और पिछले वित्तीय वर्ष में इन चार का लगभग करोड़ के आसपास तो कर कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत की जाए हर एक प्रत्येक परिवार की अपनी ऐसी आजीविका आज हो जो कम से कम दस हजार रुपए प्रतिमाह कमा सके और आत्मनिर्भर बन सके क्योंकि अगर स्वयं आत्मनिर्भर ग्रामीण परिवार बनेगा तो ग्राम आत्मनिर्भर बनेगा और फिर मध्य हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत जो आत्मनिर्भर चर्चा चल रही है वो सार्थक हो पाएगी पूरी कर वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है जो आत्मनिर्भर भारत हम चाहते हैं जो देख रहे हैं तो देखिए किस प्रकार से कौन कहता है कि गाँव में रहकर काम कम है या वहाँ पर आजीविका नहीं बढ़ाई जा सकती देखिए इस आजीविका मिशन के द्वारा 150 से अधिक गतिविधियाँ कार्य कराए जा रहे हैं और जैसा अभी सर ने बताया कि वहां से करोड़ों का टर्न निकाला जा रहा है जिससे वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं उनको वहीं पर रहते हुए कई लाभ प्राप्त हो रहे हैं उनके बच्चों को बाहर नहीं काम की तलाश में भागना पड़ रहा है तो देखिए कितनी अच्छे मिशन है कितनी अच्छी गतिविधियाँ हैं आप भी इससे जुड़ सकते हैं आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और जो भी आपकी आप कमाई है आप इनकम है तो इस कार्य में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उनका हल खोजा सर मुश्किलें तो बहुत आई हमारे आगे क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे ना तो बोलते थे आप क्या हो क्या कार्य करते हो और आपको किसने भेजा है तो और हम लोगों लोगों के आप लोगों से आप लोगों की बात कैसे क्यों जी, माने हम जी, लेकिन हम लोगों ने बोला जो अभी का जो चल रहा है हम आजीविका मिशन से जुड़े हैं जी और हम लोग आप लोगों को भी उसी चीज से जोड़ना चाहते हैं बिल्कुल और जब आपने उन्हें जोड़ा होगा और जब उनकी आजीविका उससे बड़ी होगी तो स्वयं उनका विश्वास आप पर आ गया होगा और उन्होंने औरों को आपसे जुड़वाया होगा जैसे हमारी बैंक साखी है ममता दीदी जी उनको उनकी बकरी बीमार हो गई थी जी तो उनकी बकरी का घरेलू उपचार किया हमने जी उनकी बकरी ठीक हो गई तो दूसरे दिन ही कॉल आया कि ना दीदी मेरी बकरी ठीक हो गई तो इस चीज से और भी दीदियों का उत्साह बढ़ा बहुत ही बढ़िया मेरे पास और भी कोल आने लगे जी, जी 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 और भी जैसे और भी दीदियों की मैंने छोटी छोटी समस्या किया बहुत ही बढ़िया वाकई देखिए आपके किस प्रकार पशु सखी जो है, किस प्रकार लोगों की मदद करती है समय पर पहुंच उनकी सहायता कर और उनको मुश्किलों से बाहर निकालते हैं सर हम जानना चाहेंगे की कई बार इसमें जुड़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं की या कुछ ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि जिसको फॉलो करके इससे जुड़ा जा सकता है या इसमें क्या मुख्य कागजात जो जरूरी होते हैं जिससे लोग ग्रामीण जो है इसमें जुड़ सके देखिए इसमें आ, इसका एक मुख्य आधार वही हमारा जो 2011 का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था डेटा 2011 जी, वही है जी, उसमें जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो उसमें जुड़ सकते हैं उसके अलावा जो हमारे ग्राम स्तर पर एक पीआईपी किया जाता है जी, उसमें उनकी वेल्थ रैंकिंग होती है और जो समुदाय है वो स्वयं निर्धारित करता है कि क्या ऐसे परिवार हमारे यहाँ हैं जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिन्हें अपने जीवन यापन करने में समस्या आ रही है या किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जी, रहा है जी, जी, तो ऐसे परिवार को आइडेंटिफाई करके चिन्हांकित करके वो जोड़ते हैं इसमें किसी अलग प्रकार का कोई इसमें डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें उन्हें अपना एक आधार कार्ड जो होता है उसको चाहिए होता है आधार कार्ड का चूंकि हमारे यहाँ पे एक आ, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है नेशनल एम है एन डॉट जी ओ डॉट इन जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी, सार भी, सार भी हमारे साथ में एक है। कॉलर हैं हेमराज जी हैं नर्मदापुरम से हेमराज जी अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं हेमराज जी आपको आवाज आ रही हो तो अपना प्रश्न पूछें हाँ जी आवाज जी। आ रही सर मेरा प्रश्न है सर कि ग्रामीण आजीविका मिशन में क्या ये आपकी आवाज कट रही है फिर से अपना प्रश्न पूछिए ग्रामीण आजीविका मिशन में जो दिव्यांग भाई बहन है या फिर पुरुष वर्ग है क्या वो भी समूह बना सकते हैं सर ग्रामीण आजीविका मिशन में क्योंकि महिलाओं के समूह बनते हैं सर जी 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 समूह बना सकते हैं जी 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 सर पूछना चाह रहे हैं हम राज्य की महिलाओं के समूह तो चल रहे हैं स्व सहायता है क्या पुरुषों के भी भाई जो है वो भी स्व सहायता समूह बनाकर क्या इस मिशन में जुड़ने की कोई प्रारूप है कोई प्रक्रिया है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने एक दो बातें उन्होंने पूछी इसमें कि पुरुष जुड़ सकते हैं और क्या दिव्यांग जुड़ सकते हैं जी तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये पूरा जो मिशन है जी ये महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर कार्य करता है ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है और ये महिलाओं को जी, पुरुष के समूह नहीं बनाए जाते है किन्तु ये इसमें पात्रता है कि अगर कोई पुरुष दिव्यांग है या बहुत निराश्रित है बुजुर्ग है उसके पास अपनी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए एक वॉलबल ग्रुप भी बनाए जाते हैं ग्राम स्तर पर तो वहां ये इस तरह के पुरुषों को जोड़ा जा सकता है पर वो एक विशेष परिस्थिति होती है इसमें पुरुषों को जोड़ने के लिए देखिए पुरुष अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह जो आजीविका मिशन चलाया जा रहा है जिसके तहत महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है जिसके लिए हेमराज जी ने जो प्रश्न पूछा था तो इसमें महिलाओं के समूह निर्धारित किए गए हैं लेकिन जैसा सर ने बताया कि कोई विशेष परिस्थिति में कोई दिव्यांग है या निराश्रित हैं बुजुर्ग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें इसमें जोड़ा जा सकता है किंतु फिर भी हम यह कहना चाहेंगे कि जो महिला सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम है यह बिना पुरुषों के अधूरा है तो आप जो घर के सदस्य हैं जो महिलाओं के भाई हैं पति हैं पिता हैं उनका अगर सहारा होगा उनका अगर साथ होगा तो यह सशक्तिकरण सार्थक होगा तो उसमें आपका साथ होना आवश्यक है जी सर हम जानना चाहेंगे जैसे हम आजीविका मिशन की बात कर रहे हैं तो लोग इससे जुड़ रहे हैं लेकिन कई बार किसी ने कोई कार्य शुरू किया जैसे आपने बताया साबुन बनाते हैं या सर्फ बनाते हैं तो अगर इसको बनाते हुए उन्हें उतना अच्छा कुछ इसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है और वो अपनी गतिविधि बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से उनको इसमें आगे बढ़ाया जाता है या कैसे उन्हें राह दिखाई जाती है बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी इसमें देखिए क्या होता है कि जो गतिविधि स्टार्ट की जाती है जी उसमें जैसे मान लीजिए आपने साबुन गतिविधि स्टार्ट की जी तो उसमें जिस प्रकार की समस्या आ रही उन समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं इसके अलावा हम लोगों का एक एस एच जी जीविका पोर्टल है जिसमें इन उत्पादों को भी शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से वो उसका विपणन उसका मार्केटिंग कर सकते हैं जी। फिर भी अगर उन्हें लगता है कि ये उनके संसाधन या उन्हें उचित नहीं लग रहा है उससे उतनी आय नहीं हो रही है तो वो उनके पास ऑप्शन होता है कि उनके पास अपने कोई दूसरे संसाधन है या उसको उनका कोई दूसरा इंटरेस्ट है तो वो अपना वहाँ बताएं समूह में समूह के बाद ग्राम संगठन में बताएं सी एल एफ में बताएं और वहां पर ये निर्णय लिया जाता है कि हाँ अब इस गतिविधि को उनसे जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रशिक्षण व्यवस्था हो सकती है हमारे पास इस तरह की अलग अलग तकनीकी संस्थाएं हैं जैसे मान लीजिए आप डेयरी पे काम करते हैं तो एनडीएस हमारे पास तकनीकी संस्था है आप अगर छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं तो एक ईडीआई एक संस्था है जो उद्योगों के ऊपर काम करती है छोटे लघु उद्योगों के है। आप कोई कैफे वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुटुम एक संस्था है जो इसमें एक्सपर्ट है वो है ना इस तरह की और भी बहुत सारी तकनीकी संस्था है जो लगातार हमें सहयोग देते हैं सहयोग मिलता रहता है कृषि में एफ डी आर बी सी एक संस्था है इस तरह की संस्थाओं से जोड़ के नए व्यवसाय लगाए जा सकते बिल्कुल कई बार ये सोच हमारे मन में होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं अगर उससे परिणाम सही नहीं मिल रहा है या हो सकता है कोई उचित कदम उसके लिए नहीं उठाए जा रहे हो प्रयास में कोई कमी रह गई हो लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी कई बार अगर परिणाम सही नहीं आता है तो देखिए इस योजना के तहत जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ निर्धारित किए गए हैं जो संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं आप उससे और बेहतर ट्रेनिंग ले सकते हैं और कहाँ आपसे कौन से कदम चूक हो रहे थे उसको आप संभाल सकते हैं और आप अपने परिणाम को सही कर सकते हैं रईसा जी हम जानना चाहेंगे जैसे आप पशु सखी के रूप में

तो, तो जिससे आपका कारोबार प्रभावित नहीं होगा हाँ। और एक पशु के जाने से आप उसकी जगह पर दूसरा पशु लेकर आ सकते आपका कार्य वहीं से आगे बढ़ सकता है जी, जी 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 और किस प्रकार से आप उन्हें मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे पशुपालक भाई बहन जो है, वो कई बार अपनी जो पशु जहाँ पर रखते हैं जो पशुओं का घर है उसको सही से वो प्रबंधन नहीं करते हैं मैनेज नहीं करते हैं तो उसे जाकर आप देखकर उन्हें बताते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे वहाँ गंदगी इकट्टी ना हो जिससे पशु बीमार ही ना हो क्या आप उन्हें ये भी सलाह देते हैं हाँ सर प्रबंधन जैसे जो पशु प्रबंधन जो रहते है ना उस वो दो प्रकार का सही रहता है एक तो पूछ से पूछ वाला रहता है जो ऐसे मतलब पीछे से पूछ से पूछ मिलती आ, है इधर मुंह रहते हैं और दूसरा रहता है मुंह से मुंह वाला जी, लेकिन जो मुंह से मुंह वाला रहता है ना उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है क्योंकि उसमें जो पशु रहते हैं ना जी, जी। उसकी राल वगैरह रा, अगर कोई से पशु बीमार हो जाता जी, जी, है तो, तो एक से हाँ, दूसरे में एक दूसरे से बीमारी का तो दे सलाह है। देते हैं कि उनको उस समय दूर कर दिया हाँ, जाए और उनका खान पान का खान पान का ध्यान भी जैसे अलग होना चाहिए एक पशु के दूसरे पशु में नहीं होना चाहिए बाकी मतलब कहीं ना कहीं उन्हें आप सही दिशा दिखा देते हैं हाँ, अच्छा आगे भविष्य के लेकर आपके समूह का क्या मतलब कदम उठाए जाने हैं किस प्रकार आप क्या कार्य करने वाले हैं सर मुझे तो मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं अपने जो समूह में जो मेरे साथ जुड़े जुड़ी दीदियाँ हैं अजीबी कमीशन से जो जुड़ी हैं उन लोगों तक सही जानकारी और सही रास्ता जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको समय से पहुंचाना बढ़िया और मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ सर कि जिससे हमारे गाँव की भी तरक्की हो बहुत ही बढ़िया और हमारा भी कुछ नाम हो जी जी और अजीबिक मीशन से जुड़े रहने से भी फायदा हमें पूरा पूरा मिल सके बहुत खूब वाकई देखिए ये सोच होती है ये विचार होता है कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे और भी लोग कहीं ना कहीं फ़ायदा पा सकें वो भी प्रभावित हों उन्हें भी सही राह सही दिशा मिल सके देखिए रईसा जी का कितना अच्छा विचार है कि मैं जो कार्य कर रही हूँ उससे जुड़ने वाली जो दीदियाँ हैं वो और आगे बढ़ सकें गाँव और तरक्की कर सके यही तो एक विचार होता है जिससे हमारा देश तरक्की कर सकता है सर हम जाना चाहेंगे ये जो आजीविका मिशन है ये लगभग किस प्रकार इसका रूपरेखा चल रही है और कितने बृहद क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है और किस प्रकार से आपको इसका रिस्पांस मिल रहा है देखिए जो हमारा राहुल जी अपना आजीविका मिशन है राज्य के सभी जिलों बावन जिलों में तीन सौ तेरह ब्लॉक में है जी, और जो हमारे लगभग इक्यावन लाख से ज्यादा परिवार इससे जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में हम लगभग पैंसठ लाख और पंद्रह लाख परिवार को जोड़ के लगभग पैंसठ लाख परिवारों के साथ में इसमें कार्य करेंगे जी, और आ, सभी परिवारों की जो आजीविका हम ऐसी आ, उन्हें स्वरोजगार से इस तरह से जोड़ना चाहते हैं जी। और जोड़ भी रहे ताकि वे दस हजार रुपये प्रतिभा कमा सकें जी। और लगभग अगर हम देखें तो आज की तारीख में हम लोगों ने अपना एक इंटरनल आकलन किया हुआ है तो उसमें लगभग दस से पंद्रह लाख ऐसे परिवार है जो लखपति क्लब में शामिल हो गए उनके पास अपनी वार्षिक आय एक लाख से ऊपर की हो चुकी है जी तो ये भारत सरकार भी हमें और मध्य प्रदेश शासन भी जो निर्देश प्राप्त होते हैं कि हमें लोगों को सशक्त बनाना है उन्हें एक लखपति क्लब की एक श्रेणी में लाना है तो उसकी ओर लगातार प्रयास चल रहा है और हम इसको पूरा करने जी लगी जी, जी बिल्कुल सर पहले देखा जाता था कहीं ना कहीं जो विकास है वो शहर से संबंधित होता था गाँव का क्योंकि कई बार गाँव में वो प्रोडक्ट वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती थी जो शहर से आती थी कि कई बार मौसम की वजह से कोई कारण ऐसे बन जाते थे लेकिन ये जो आप मिशन चला रहे हैं इसमें उत्पादकता गाँव से शुरू हो रही है गाँवों में बढ़ रही है और शहर पहुँच रही जी. है तो किस प्रकार क्या बदलाव आप इसमें देखते हैं देखिए अगर मैं अपने इस तरह की बात करूं तो पहले माना जाता था कि साबुन एक बड़ी इंडस्ट्री है जी आज की तारीख में हमारे यहाँ अपने जो समुदाय के लोग हैं वही स्वयं अपना साबुन बना पा है, हाँ, है, है, कर कर रहे हैं आज की तारीख में अगरबत्ती बनाना हो जो गाँव से बन के शहरों में जा रही है साबुन हो गए इसके अलावा मसाले हो गए हमारे पास अलग अलग तरह के मसाले हैं जो पहले हमें ग्रामीण स्तर पर नहीं होते थे बाहर से आते थे अभी हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है की हम नमक एक जो बाजार है जो अभी बड़ा है उसको हम अब ग्राम स्तर पर ले जाने के लिए हमने तीन नए उत्पाद आइडेंटिफाई किए एक नमक है तो हम सीधे उसे गुजरात के माध्यम से इस तरह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे कि लोग गुजरात से जाके नमक का अपना व्यवसाय को स्टार्ट कर सके तो इस प्रकार अगर आप देखें तो सारी अर्थव्यवस्था अब हमारी ज्यादातर ग्रामीण आधारित हो रही है पूर्व में भी रही है कृषि आधारित पर अब और दूसरे जो गैर कृषि उत्पाद है उसके तरफ भी ये बढ़ रही है ताकि लोगों के अपने रोजगार उपलब्ध हो उनके पास ऑप्शंस हो कि एक से अधिक गतिविधि को चुन सके और उनको अपना के अपने जीवन को बदल सके तो इस लगातार इसकी ओर प्रयास किया जाए जी सर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको सेल भी किया जाता है ताकि उनको आजीविका उनकी बढ़ सके उन्हें प्राप्त हो सके तो डिपार्टमेंट इसमें किस प्रकार मदद करता है देखिए इसमें हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया हुआ है एस जीविका पोर्टल जी इसमें जो हमारे समूह के उत्पाद होते हैं उसको उसमें पंजीकृत किया जाता है और ये ऐसा पोर्टल है जिसमें कौन से क्षेत्र में कौन सा उत्पाद बन रहा है वो कौन सा समूह बना रहा है उसमें उनका क्या नंबर है वो सारा व्यवस्थित रहता है और इसमें कोई अगर बायर है वो चाहे वो शहर में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या बाहर जी, भी जी, हो जी, वो उस बात को उसमें अपना पंजीकृत करके पता कर सकता है कि उसके किस तरह के उत्पाद की आवश्यकता है तो एक वो एस पोर्टल जो हमारा वो है इसके अलावा जैम पोर्टल भारत सरकार का है जिसमें वो उत्पाद किया जा रहा है रजिस्टर्ड हो रहा है उसके अलावा अगर आप देखें अभी शासन की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जैसे अभी उपार्जन का कार्य है तो लोग जो हमारे कृषि आधारित कार्य कर रहे हैं गेहूँ है या धान है वो स्वयं उगा रहे हैं तो अब समूह ही उपार्जन का कार्य करता है तो उन्हें बड़े बाजार से जो, जोड़ा जा रहा है इसके अलावा एफ का एक बड़ा पार्ट है जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधे अपने उत्पाद को बड़े बाजार से जोड़ने का कार्य करते हैं अभी हाल ही में अगर हम देखें कि देवास ज़िले में एक एफ है जिन्होंने आलू के ऊपर बहुत अच्छा काम किया सीधे मार्केटिंग किया इसके अलावा डेयरी में हमारे चार एफ पी जो सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों से उत्तर प्रदेश तक अपना दूध बेच रहे हैं दिल्ली तक दूध जा रहा है भोपाल तक दूध आ रहा है सागर से आप देखिए भोपाल तक दूध आ रहा है फिर राजगढ़ से भोपाल नहीं इस तरह की सारी व्यवस्थाएं बनाने का बनाने किया चल रहा है जी अंत में चलते चलते रईसा जी आपसे हम जाना चाहेंगे कि किस प्रकार आप महिलाओं को कुछ सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे कैसे वो इस मिशन से जुड़े और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपना कदम रखें सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अजीबी मिशन कम नहीं है बहुत अच्छा है जी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े क्योंकि मैंने भी समूह गठन किए हैं और दीदियों को जोड़ा है जी, तो अजीबी मिशन बहुत अच्छा है इससे हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है पैसे की भी व्यवस्था हो जाती है जी, और अपन कोई व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है जी, और जी, जैसे मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया है। जी जी, जी बहुत बढ़िया वाकई देखिए इससे मालूम चलता है हमें कि आजीविका मिशन जो है कैसे आपको रास्ता दिखाता है कई बार हमें समस्याएं इसलिए नहीं होती हैं कि हम उसको करने के लायक नहीं हैं या हमारे पास उसका समाधान नहीं है कई बार समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास में उसका ज्ञान नहीं होता है हम समाधान करने की तरफ हम सोच नहीं रहे होते हैं तो देखिए ये आजीविका मिशन किस प्रकार बहुत सारे समाधानों को लेकर आया है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में गाँव में रहकर अपनी आजीविका उपार्जन कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने स्तर को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचा सकते हैं सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और रईसा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तर नमस्कार नमस्का। नमस्का।